देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तहसील मुख्यालय खैरलांजी में बौद्ध अनुयायियों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती। सभी बौद्ध उपासक एवं उपासिकाओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। कोरोना संक्रमण महामारी के चलते शासन द्वारा लॉकडाउन किया गया है, जिसका ध्यान रखते हुए तहसील मुख्यालय के अंबेडकर चौक में बौद्ध उपासक उपासिकाओं द्वारा शांतिपूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना कर 130वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती समारोह में प्रमुख रूप से जनपद सदस्य प्रकाशो के कैलाश भोरजार, ब्लॉक अध्यक्ष द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संजय मिश्रा, युवा समाज सेवी राजकुमार बैठवार, गोपाल डोंगरे, डीएल सुखदेव एवं रामदास ठावरे उपस्थित रहे। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए खैरलांजी से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। सर, आज जैसे मुख्यालय अंबेडकर चौक में आप बौद्ध उपासक एवं उपासिका यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे 14 अप्रैल के बारे में? हम सभी लोगों को विदित है कि विश्व रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य बोधि भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती आज मनाई जा रही है। लेकिन जैसे वर्तमान जो परिस्थितियाँ जो चल रही है कोविड-19 को लेकर, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो नियमों के आधारित सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से और काफ़ी कम मात्रा में पूजा अर्चना करना कोविड-19 महामारी में जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? कोविड-19 महामारी में हम जनता को नहीं संदेश देना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें और बहुत जरूरी कि जीवन के अपने दैनिक कार्य को देखते ही घर से बाहर निकले और खुद की सुरक्षा स्वयं जनता करें। ये हमारी संदेश है।